बुलढाणा जिले में अब तक 74 एसटी कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इस पर एसटी कर्मचारियों का कहना है कि कार्रवाई करेंगे फिर भी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बुलढाणा जिले में दो दिन में 60 डिपो के 74 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। एसटी कर्मचारियों के आंदोलन पर अब भी कोई हल नहीं निकला है, इसलिए कर्मचारियों का आंदोलन अब भी जारी है। वही सरकार द्वारा अब तक सैकड़ों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, लेकिन कर्मचारियों का आंदोलन अब भी जारी है। बुलढाणा डिपो में 11, मलकापुर में 5, जलगांव जामोद में 10 और शेगांव में 15 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, फिर भी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। 74 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन हे फक्त शासनाकडून आणण्यात आलेला दबाव आहे। अशा दबावाला आम्ही बळी न पडता आमचा संप हा कायम असा चालू ठेवणार आहे। त्यामुळे शासनाने कितीही आमच्यावरती दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी आम्ही आमची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही। आणि आमची फक्त एकच मागणी आहे, ते म्हणजे एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण। आणि निलंबनाची कारवाई सोडा, बडतर्फ जरी केलं तरी आम्ही आमच्या मागणीवरती ठाम राहू आणि एकच नारा देऊ, कामगार एकजुटीचा विजय असो, कामगार एकजुटीचा विजय असो, एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे।